स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मैकेनिकल सुमन। और दोस्तों, इस बार हम लेके आए हैं आपके लिए एक अनोखी ज्ञान की चीज़, एक अनोखी ज्ञान की बात। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे व्हाट इज डिफरेंस न्यूट्रल एंड अर्थ, यानी कि अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि न्यूट्रल और अर्थ एक ही होता है। आज मैं बताऊँगा कि उनमें अंतर क्या है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि थ्री पिन टॉप या फिर थ्री पिन सॉकेट, दोनों में तीन तीन पिन होती है। ये देखिए, इसमें 6 एम्पियर और 16 एम्पियर दोनों में प्लग लगाने की जगह है। तो ये देखिए, इसमें आप तीन पिन देख सकते हैं। तो तीन पिन में एक बड़ी और मोटी पिन होती है, जो और दो एक बराबर होती है। तो इन तीनों पिनों के बारे में आज हम जानेंगे। ये जो दाहिनी तरफ की जो पिन होती है, इसमें लिखा होता है L, किसी में लिखा होता है P, यानी कि ये फेस की पिनें होती है। इसमें फेस कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि उसके बगल में जो बाएं तरफ होती है, उसमें N लिखा होता है, यानी वो न्यूट्रल की पिन होती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी बात है कि फेस को दाहिनी तरफ और न्यूट्रल के बाएं तरफ क्यों रखा जाता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। कि दोस्तों, जब भी कोई भी आदमी अगर अपने हाथ बढ़ाता है तो दाहिना हाथ बढ़ाता है, और जो दाहिना हाथ बढ़ाता है तो अगर करंट किसी कारण से लगे तो दाहिना हाथ लोगों का बरियार मजबूत होता है, और जिससे बिजली के झटके सहने की उनमें क्षमता होती है कुछ हद तक। जबकि बाएँ हाथ में अगर आपको झटका लगे तो आपको करंट मार सकती है। और तीसरी पिन है इसमें अर्थ की, जिसमें आपको ये पहले भी आप देख सकते हैं। तो यानी कि जब भी आप थ्री पिन टॉप को थ्री पिन सॉकेट में आप लगाते हैं, तो सबसे पहले अर्थ कनेक्ट होती है, उसके बाद फेज और न्यूट्रल कनेक्ट होती है, जिससे आपको अनावश्यक अर्थिंग लगने की से सेफ्टी मिलती है और आप झटके से बचते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि इसमें भी आपको जो दाहिना तरफ है वो फेस का है, और बाईना तरफ जो है न्यूट्रल का है। और जब भी अगर आप टेक्नीशियन हैं तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें कि आप दाहिना तरफ हमेशा फेस रखें, क्योंकि अगर आप इन्वर्टर वायरिंग करते हैं, सिंगल तार की जो वायरिंग होती है, उसके बारे में मैं आपको बहुत जल्द ही वीडियो बना दूँगा। और जो बाएँ तरफ की होती है वो न्यूट्रल होती है, तो उससे आपको कनेक्शन करने में आसानी भी होती है, और ये इसका नियम भी है। तो दोस्तों, जब हम ये देख सकते हैं 6 पिन और 6 एम्पियर और 16 एम्पियर की टॉप आती है, उन दोनों में सब में एक ही प्रावधान है, दाएं तरफ फेज बाएं तरफ न्यूट्रल, यानी कि राइट फेज लेफ्ट न्यूट्रल एंड ऊपर जो होते हैं अप में होते हैं दोनों पिनें, ये आपकी अर्थ की होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही ये टॉप की और ये सॉकेट की होती है। अब दोस्तों, आज हम मान लेते हैं कि हमारे पुल पर जो है थ्री फेस है, और हमारे यहाँ से उनमें से एक फेस आता है। तो अब हम जानेंगे कि न्यूट्रल और फेस में क्या संबंध है, और हम उसका कैसे गणना करेंगे, जानेंगे कि न्यूट्रल और फेस में और अर्थ और फेस में क्या अंतर है। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूट्रल है और ये फेस है, ये पोल पर से आते हैं। तो मान के चलिए कि अगर हमारा 10,000 किलो वाट का स्टेबलाइजर लगा हुआ है, पोल है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और उनमें से तीनों में बराबर बराबर भाग में डिवाइड किया गया है। अगर तीनों पर बराबर यानी कि एक समान लोड हो, तो यहाँ पर जो न्यूट्रल है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर किसी में वोल्ट बराबर सब ही में है, लेकिन किसी में लोड ज़्यादा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, तो ये जो न्यूट्रल है उसके अनुपात में कुछ एसी की मात्रा मेंटेन करने के लिए कुछ एसी की मात्रा आ जाती है। क्योंकि अगर दोनों में समान वोल्टेज होगी तीनों में, तब तो समान ये न्यूट्रल में जीरो आएगी। लेकिन अगर किसी में लोड ज़्यादा है, किसी में लोड कम है, तो उसको एवरेज से आप देख सकते हैं कि ये लगभग कुछ एसी की मात्रा आ जाएगी। इसको मैं पूरे कैलकुलेशन के साथ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे कैलकुलेशन जानने में काफ़ी समय भी लगेगा आपको।
मैं मोटा मोटी कैलकुलेशन के हिसाब से ये बता रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है, ऐसा होता है। तो इसके पूरे कैलकुलेशन इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी लंबा सूत्र है और ये जानने में आपको काफ़ी समय लगेगा। जबकि आप ये देख सकते हैं कि किसी में आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी घर में आप इस्तेमाल करते हैं स्टेबलाइजर या इन्वर्टर, तो पोल पोजीशन, न्यूट्रल फेज और अर्थ होता है। बहुत सारे लोग अर्थ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ न्यूट्रल और फेज का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग न्यूट्रल फेज अर्थ का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको न्यूट्रल और फेज का इस्तेमाल करते हैं तो आप जान सकते हैं कि इसमें आपको काफ़ी उतार चढ़ाव मिलते होंगे। इसलिए कि अगर मान चलिए कि किसी में लोड ज़्यादा हुआ, किसी में कम हुआ, तो उसके हिसाब से न्यूट्रल भी आपकी चेंज होती रहेगी। कभी न्यूट्रल में कुछ एसी की मात्रा बढ़ होगी, कोई भी में कुछ ज़्यादा होगी, कभी में कुछ हो कम होगी, और इसी कारण आपकी जो बोल पर से जो फेस आती है उनमें भी संतुलन नहीं होती है लोड के अनुसार। तो आपकी जो ये लोड पर चल रही है जो चीज़, जैसे स्टेबलाइजर या जो एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेंस चल रही है, उसकी उम्र इसीलिए कम होती है क्योंकि वो उतार चढ़ाव हमेशा झेलते रहते हैं, और इसी उतार चढ़ाव के कारण उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो सही नहीं होती है, वो कम या ज़्यादा होती रहती है। इसके कारण इसकी खराब होने की संभावना को ज़्यादा होती है। और जो तीसरा पिन अगर ये अर्थ में है, अगर ये अर्थ किया हुआ है, तो इसको सुरक्षा तो मिलेगी लेकिन वो संतुलन नहीं मिल पाएगी एसी की, जिससे आपकी उतार चढ़ाव, जैसे मान चलिए कि आपका उतार चढ़ाव 10 वोल्ट या 5 वोल्ट न्यूट्रल में आती है, तो वो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ गड़बड़ होगी और आपकी जो कंपोनेंट्स या फिर जो अब चल रहा है उससे ऑब्जेक्ट्स, उसकी लाइफ कम होगी। अब मान चलिए कि हम पोल पर से कोई फेस हम ले आते हैं और न्यूट्रल भी हम पोल पर से हमारी आ गई, जैसे हम न्यूट्रल, और हम क्या करेंगे कि एक अर्थ को हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं, तो अब देखिए संभावना क्या होती है कि अगर पोल पर से लोड आपकी जो दिया गया है अगर बराबर भी नहीं होगी आपके मान के लिए, लेकिन जो न्यूट्रल है इसमें 10 वोल्ट या प्लस या 5 वोल्ट या 20 वोल्ट जितना भी होगी वो गैपिंग के अनुसार, लेकिन हमारी जो अर्थ है उसको 0 वोल्ट कर देगी, सीधे ग्राउंड कर देगी, इससे क्या होगा कि हमारी जो उपकरण है उसकी लाइफ लंबी रहेगी, और उसकी लाइफ लंबी रहने के साथ में उसके में जो उतार चढ़ाव है उसको झटकों सहने की भी आदत होगी। जैसे कि मान चलिए कि अगर किसी कारण से अगर आपका पोल का जो न्यूट्रल है उसमें कोई अगर फेस अटैक, यानी कि फेस अगर सट जाता है या फेस आ जाती है किसी कारण से, तो इसमें आपको 440 वोल्ट आ जाएगी जिससे आपका उपकरण ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगी और आपकी फ्यूज़ ब्लोन कर जाएगी या फिर घर की जो MCB है वो कट ऑफ हो जाएगी। अब देखिए कि मान चलिए कि आप कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, आयरन हो गया या जो भी मिक्सी हो गया, तो अब क्या करते हैं हम कि यहाँ पर से हमारे सॉकेट से फेस और न्यूट्रल है और बॉडी अर्थ नहीं है, तो क्या होगा जैसे कि मान चलिए कि हमारे मिक्सी में या फिर हमारे फ्रिज में कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ से फेस जाएगी आपकी और फेस जाकर आपको डायरेक्ट आपके शरीर से लेकर ज़मीन से अर्थ लेगी, इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर ये देख लीजिए फेस और ये न्यूट्रल जाकर ये आपकी ऑब्जेक्ट को पूरा कर रही है, लेकिन इसको अगर हम अर्थ नहीं दिए हैं तो ये प्रॉब्लम होगा कि अगर सिर्फ फेस और न्यूट्रल गई या किसी कारण से अगर हमारी ऑब्जेक्ट खराब हो गया तो हमको करंट में मार सकती है जिसमें हम घायल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रल को यहाँ पर अर्थ कर देते हैं तो अगर किसी कारण से और ये हमारे ऑब्जेक्ट को भी हम अर्थिंग दे देते हैं तो होगा क्या कि अगर फेस जाती है और ऑब्जेक्ट में अगर करंट आ जाती है, यानी वो सही से वर्क नहीं करता है, तो फिर आपका क्या होगा कि यहाँ से अर्थ उसकी बॉडी को मिलेगी जिससे आपकी फ्यूज या फिर MCB ट्रिप कर जाएगी शॉर्ट सर्किट के कारण, क्योंकि यहाँ से आपको फेस मिल गई और इधर से आपको अर्थ मिल गई जिसके कारण यहाँ शॉर्ट सर्किट होगी और आपकी घर की फ्यूज या MCB कट जाएगी जिससे आपको करंट मारने का डर एकदम ख़त्म हो जाएगा,
जो आपके लिए परफेक्ट होगा, और या फ्यूज ब्रेक हो जाने के बाद भी आपको करंट नहीं मारेगा, ये आपके लिए परफेक्ट है। इसीलिए घरों में अर्थिंग करानी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसको ज़रूरी नहीं समझते हैं, लेकिन ये कितनी ज़रूरी है आप ये समझ गए। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।